बादशाहपुर विधानसभा में राव नरवीर के सामने टिक पाएंगे जवाहर मनीषा कमल यादव? बीजेपी की टिकट पर किसके दावे में सबसे ज्यादा दम? बीजेपी अनुभव या युवा किसको देगी मौका? राव नरवीर सिंह के जिताऊ चेहरे पर बीजेपी खेलेगी दाव? विरोधी उम्मीदवारों को कौन दे सकता है मजबूत टक्कर? बादशाहपुर जीतने के लिए बीजेपी ने बनाया सॉलिड प्लान। बादशाहपुर हारना नहीं जीतना चाहती है बीजेपी। 2019 की गलती से कितना सबक ले पाई है बीजेपी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी हो, INLD हो, तमाम अपने अपने एक एक उम्मीदवारों को बारीकी से जांच परख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोयले की खदान से बारीकी से ध्यान से हीरे को निकाला जाता है, कुछ वही कोशिश इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की है कि 90 की 90 विधानसभा पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाए जो उन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत दिला सके। तो चलिए आज बात करते हैं हरियाणा में बीजेपी और खासतौर से बादशाहपुर सीट की। बादशाहपुर सीट गुरुग्राम जिले में आती है। 2019 के मुकाबले की बात करें, बीजेपी ने उस दौरान के मौजूदा विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह का टिकट काटकर युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष यादव को दे दिया था। बीजेपी को उम्मीद थी कि एक युवा चेहरे के साथ वो बादशाहपुर को जीत जाएगी, क्योंकि उस दौरान मोदी की लहर भी चरम पर थी। लेकिन इस सब के बावजूद जब नतीजे आए तो बीजेपी के लिए खासे परेशान और निराश कर देने वाले थे। मनीष यादव निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबाद के सामने हार गए और इस हार के साथ एक सीट भी 90 में से बीजेपी के लिए कम हो गई थी। तो क्या आप 2024 में नई रणनीति के साथ बादशाहपुर सीट पर बीजेपी टिकट बंटवारा करेगी? क्योंकि इस बार भी टिकट मांगने वाले दावेदारों की लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट की शुरुआत पूर्व मंत्री राव नरवीर से शुरू होती है और उसके बाद मनीष यादव, जवाहर यादव, कमल यादव भी इस फहरिस्त में शामिल है। लेकिन अब इनमें से बीजेपी किसे 2024 के चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी? क्या बीजेपी युवा चेहरे के साथ जाएगी या फिर बीजेपी अनुभव का साथ लेगी, उस अनुभव का जिसके साथ वो 2014 में बादशाहपुर की सीट जीतने में कामयाब हुई थी? इस सब के बीच अगर हरियाणा में बीजेपी की स्थिति को भी समझे तो फिलहाल स्थिति खासी अच्छी नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से 5 सीटें ही मिली थी। ऐसे में बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ा संकट यह है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव को कैसे जीते, क्योंकि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है और कांग्रेस भी मजबूती के साथ 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इन्हीं तैयारियों पर एक चुनौती देने के लिए बीजेपी को भी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना होगा जो असल में जिताऊ है। चारों नेताओं में से कौन सा ऐसा नेता है जो बादशाहपुर की सीट बीजेपी की झोली में डाल सकता है? 2014 के नतीजों को देखें तो राव नरवीर सिंह का दावा सबसे मजबूत दिखाई देता है। राव नरवीर सिंह की अपनी बादशाहपुर इलाके में खासी पैठ है। लेकिन क्या इस सब के बीच मनीष यादव, जवाहर यादव या कमल यादव को भी हल्के में आका जा सकता है? लेकिन इस हल्के और भारी में सबसे बड़ी बात है, अगर एक तराजू में इन तमाम नेताओं को तोला जाए तो पलड़ा किसका भारी होगा और बीजेपी किसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा जताएगी? क्योंकि इस बार के लिए ये तो साफ है कि बीजेपी किसी की सिफारिश नहीं सुनेगी, बीजेपी किसी की चुगली पर विश्वास और भरोसा नहीं करेगी। वो सीधे सीधे उसी को मैदान में उतारेगी जो उसे सीट जीतकर दे सकता है। तो ऐसे में ये दावा सबसे ज्यादा मजबूत पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह का बनता है। लेकिन क्या इस दावे के साथ बाकियों के दावे को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली है। 2019 में मनीष यादव बीजेपी की टिकट से इसी सीट पर खड़े हुए थे, लेकिन युवा होने के साथ साथ और जैसा कि पहले बताया था कि मोदी लहर में भी वो इस सीट को नहीं निकाल पाए थे और अब तो ना मोदी लहर है और ना ही उस तरह के हालात है। तो ऐसे में मनीष यादव का दावा कुछ यहां पर कमजोर हो जाता है। तो वही बात करें जवाहर यादव की तो वो हाल ही में बादशाहपुर सीट पर सक्रिय हुए हैं। इससे पहले वो मनोहर लाल के OSD रहे और कई जिम्मेदारियां उनके पास बीजेपी की थी। लेकिन क्या जवाहर यादव बादशाहपुर में अपनी वो पैठ जमा पाने में कामयाब हो पाए हैं? क्या वो जनाधार वो इकट्ठा कर पाए हैं जिसके सहारे वो बीजेपी को ये सीट दिला सके? तो वहीं कमल यादव की बात करें तो वो बीजेपी के गुरुग्राम जिले से जिला अध्यक्ष हैं
और वो भी इस सीट पर अपना दावा मजबूती से ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अभी तक कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसे में अनुभव की कमी उनके पास भी कम है। तो वही जैसा पहले हमने आपको बताया था कि बीजेपी एक एक सीट को जीतने के लिए कोई कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है, और उसके लिए वो उन्हीं उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएगी जो उन्हें सीट जिताकर हरियाणा की सत्ता तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, बादशाहपुर सीट से सबसे मजबूत दावा किसका है? राव नरबीर सिंह का, कमल यादव का, जवाहर यादव का या मनीष यादव का? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।